अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशाज व्लॉग। आज का व्लॉग है हमारा उमरा का टूर जो हम मक्का के लिए गए थे। आई नो बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिए एंजॉय करें। और ये हम निकल गए थे मदीना से, ये हमारा ऑन द वे मक्का की ओर का हम बाय रोड गए थे। तो ये बस थोड़ा सा रोड्स का व्यू हमने लिया था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। जो मक्का मदीना से मक्का का ऑन द वे हाईवे है वो बहुत 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 प्रिटी है। और बस हमने होटल में चेक इन किया और हम निकल गए हमारे उमरा के लिए। ये क्लॉक टावर है, ये बस हम एंटर कर रहे थे। ये प्यारे से कबूतर ऐसे एक छोटा सा शॉट ले लिया मैंने। बस हमने अपना आराम लिया, नियत की और बस हम निकल गए हैं। ये थी हमारी पहली नज़र हम दोनों की काबे शरीफ की तरफ। और फ्रेंड्स हमने सच में फिर हमने जमज़म पिया, जो अरकान होते हैं हमारे उमरा के, हमने तवाफ़ किए, जमज़म पिया, फिर ये सही थी सफ़ा मरवा का सफ़र मेरे हस्बैंड ने। और बस माशाल्लाह हमने हमारा उमरा मुकम्मल कर दिया। एंड गाइस सीरियसली, हम सच में मैं कहती हूँ, जो बोलते हैं ना कि जो पहली नज़र काबे पे पड़ती है और जो पहली दुआ मांगो वो कबूल होती है, मेरी भी हुई है। इंशाल्लाह वो खुशखबरी मैं आपको आगे व्लॉग्स में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी, अभी फ़िलहाल नहीं। ये था हम लोग ऊपर गए थे, जो ऊपर का जो ये है जिधर व्हील चेयर्स को तवाफ़ करने का जगह है वो ये जगह है। और बस ये हरम शरीफ के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ सबका व्यू है, अलग अलग दरवाजे हैं वहाँ। तो जैसे हम व्यू करते जाते हैं यहाँ से देखिए काबा दिखते हैं। ये रात का है, ये फजर के टाइम की अजान है। Allahu Akbar.
हम ईशा सुबह फजर की अजान की, फिर हमने कोशिश की कि भाई दरवाज़े को टच कर ले। काफ़ी रश होती है गाइस, एंड इट स्पेशली लेडीज़ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जेंट्स तो फिर भी कर पाते हैं, लेडीज़ के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और बहुत मतलब ऐसे लोग हैं ना कि ये हो जाता है कि इतनी गर्दी में हम कहाँ घुस पाए। फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे टच करवाए थे, वो भी जाके कर लिए टच। ये बस फिर हम बैठे थे सुबह तक, ये फिर हम निकल गए घर के लिए, मतलब फजर पड़ी तो ये किया, काबे को दरवाज़े को टच किया और बस हम रात में फिर सुबह हो गई, फिर हम निकल गए। ये नेक्स्ट डे था, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, चाय पी और हम फिर वहाँ के मॉल्स देखने निकल गए थे जो क्लॉक टावर के नीचे है, वो हम घूम रहे थे। फिर हम बस यहाँ मॉल घूम रहे थे, अच्छा खासा मॉल था, कुछ खाया, फिर बस हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे सारा क्लॉक टावर्स की जगह। ये क्लॉक टावर्स के अंदर का व्यू है, जो अलग अलग होटल्स है क्लॉक टावर के अंदर, सूख है, शॉपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही हम सब एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ सुवेनियर्स लेना था, कुछ तबरुक लेना था, तो वही हम देख रहे थे। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ मिल जाती है, मैंने स्पेशलाइज्ड नेम लिखी हुई जानमाज ली थी, कप्स भी वो लोग नाम लिख के देते हैं। बस ये थोड़ी बहुत सब जगह की होटल की क्लिपिंग्स थी, ये मैंने कहा ना जहाँ सुवेनियर्स मिलते हैं, तो बहुत सारे ऊद परफ्यूम्स वगैरह वगैरह की दुकानें थी। ये तस्बियाँ हैं सब, बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी तस्बियाँ थी, जो भी अब आप आपको ले जाना है वो चीज़ें वहाँ थी। ये बस ये वहाँ का ये मेन फहाद गेट का एंट्रेंस है हरम शरीफ का। ये बस हम घूमते घूमते सब जगह बस एक्सप्लोर कर रहे थे। ये सुबह का वक्त था, बस ये नेक्स्ट डे हो गया था, हम नाश्ता करने निकले थे, बस नाश्ता करने निकले थे और ऐसे ही बस सब जगह देखते देखते एक्सप्लोर करते करते फिर हम फाइनली वापस से हम गए एक बार और हरम शरीफ। ये हमने ऊपर से गए थे, ऊपर से का व्यू है जो कि बेहद ही खूबसूरत व्यू था। और बस फिर हमने ज़ियारत करना था तो हम निकल गए ज़ियारत के लिए। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़ियारतों की जगह है जहाँ जाते हैं, जैसे कि जो हज के लिए जाते हैं वहाँ हमें दिखाया, वहाँ हम गए, बहुत सारी जगह थी। ये बस हम ऑन द वे जो व्यू था वो बहुत प्रिटी लग रहा था, ये सनसेट हो रहा था। बस ये सब मैं थोड़ा बहुत ऑन द वे जो जाते जाते रास्ते पे जो व्यू दिख रहा था बस वही सब चीज़ ले रही थी। बहुत सारी जगह है, ये पहाड़ है, लोग इस पे चढ़ के जा रहे है थे ऊपर। ये मीना के टेंट आपको दिखेंगे जब हज होता है तब मीना के टेंट्स लगते हैं, बस वही सब थे इधर। ये ऊपर से पूरा प्रॉपर व्यू जहाँ लोग रहते हैं हज के टाइम पे, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी से अच्छी तरह से सऊदी गवर्नमेंट की तैयारी है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये सब अपने अपने खेमाज है जिस तरह से। बस ये मैंने वहाँ से एक सॉफ्ट आइसक्रीम, रहमान माउंटेन जन है जो कि जिधर कहते हैं कि यहाँ सूर्य जन नाजिल हुई थी। ये थर्ड डे हो गया था गाइज, मैंने आपको बता दूँ कि जो मैंने अटायर पहना है उसे जलबाब कहते हैं। मैंने अलग अलग तीन किस्म के कलर्स के जलबाब लिए थे जो कि बेहद कंफर्टेबल और बेहद प्यारे थे।
ये हम नेक्स्ट डे हमने लास्ट डे पे हमने क्लॉक टावर में रूम लिया था। ये मेरे रूम का व्यू है, ये मेरा रूम का एक टूर है छोटा सा, और बस आप व्यू देखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा, बिकॉज़ ये मेरा ड्रीम था, ड्रीम कह सकते, मेरा अरमान था एक दिन ऐसे व्यू वाले जहाँ राम शरीफ मुझे सामने अपनी नज़रों के सामने दिखे। वैसे मेरे ड्रीम मेरे हस्बैंड ने पूरा किया, जो कि मैं बेहद बेहद खुश हुई थी। ये रात में बस हम निकल गए थे डिनर करने के लिए, और ये क्लॉक टावर का व्यू था वहाँ से, और फिर ऐसी रास्ते की जो शॉपिंग थी वो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, जो बाहर रोड पे शॉपिंग्स होती है वहाँ, जो सुवेनियर्स जिसे ख़रीदने हैं लोगों को लेने हैं वो चीप रेट्स में आप लोग को मिल जाएंगे। तस्बियाँ बोलो, हर चीज़ जो भी आपको देना है लेना है सब आपको मिल जाएगा। ये बस ये बाहर का व्यू था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, हमारा ब्रेकफास्ट क्लॉक टावर पे, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया बहुत। और स्पेशली तो जब वो हरम की अज़ान हमारे रूम में, हम खुद ऐसे रूम में बैठे बैठे सुन रहे थे, देख रहे थे। ये बस वहाँ से ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ से का व्यू था, बहुत ही बेहतरीन। एक टाइम एंजॉय करने, मतलब ना एक टाइम एक्सप्लोर करने का ये था। बस हो गया हमारा उम्रा, माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका था हमारा पहला उम्रा। हमने दो उम्रा किया, बस ये हम निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ। दिल तो नहीं था, इंशाल्लाह फिर से ज़रूर आएंगे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का बुलावा आया तो फिर से ज़रूर। और मैं यही चाहूँगी कि जो जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन सब को अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस चीज़ की उम्रा की लिए जल्द से जल्द बुलाए, हज करने की भी तौफीक दे हम सबको। आमीन आमीन सब आमीन। ये बहुत प्यारा, ये पहले हम लोग ने लिया था जिद्दा, मक्का से जिद्दा के लिए हमने बुलेट ट्रेन ली थी। ये बस हम वहीं उसकी तरफ जा रहे थे, जो कि बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था गाइस, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये देखिए बुलेट ट्रेन है, ये बस हमने वहाँ से टिकट ली, बोर्डिंग के लिए था ये ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन थी गाइस। मैं आपको दिखाऊंगी 300 की स्पीड पे चल रही है ट्रेन, आप देख सकते हो स्पीड एग्जैक्टली 300 पे पहुँच चुकी थी। ये बस बुलेट ट्रेन के अंदर का सफ़र था जिद्दा एयरपोर्ट की तरफ। ये बस हम पहुंच गए थे फाइनली जिद्दा एयरपोर्ट। ये वहाँ एक्वेरियम था, और वहाँ भी हमें एक मेट्रो को हॉप करना था, और हम मेट्रो से हमें वो लोग डिपार्चर की ओर या की जाके जो कि टर्मिनल बोर्डिंग होगा वहाँ ले जाएंगे। बस हो गया हमारा उम्रा का सफ़र, ये हमारा इतिहाद एयरक्राफ्ट जो हमने बोर्ड किया। और बस बोर्डिंग से कुछ देर पहले ही कि ये पिक्चर्स मैंने लिए थे या वीडियोस मैंने लिए थे, ब्यूटीफुल इतिहाद एयरवेज प्लेन जो कि टेक ऑफ हो रहा था एक, एंड फाइनली मेरी फ्रेंड्स ने इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया था। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मैं नए नए व्लॉग्स के साथ आऊँगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।